देख ले बस उन्होंने कह देना बाट आ रही चुकर देख बाट आ रही बाट यहाँ देख जाओ धान तो कहूँ के इसमें धान देखता हूँ एक मिनट रुक जाओ ये देख लो पानी यो पानी है कदे थोड़ा सा साइड में होते इतना पानी है अपनी बात करा पूरा डबो रखा है ये डबोनिया है कौन ये डबोनिया है कौन जितना पाछे दाता उतना ही पानी बढ़ता था होगा ये चारों ओर देख सको न्यू कौन है सिर्फ आड़ा आड़ा पानी है चुकर दिन दिखा दो कदे सोच जाओ है एक जगह का पानी है एक जगह का पानी कौन है यो सोचते होंगे एक जगह का पानी है यो एक जगह का पानी कौन है भाई आगे तक देख लिया अपने खेत चेक करने आए थे पानी आड़े भी चढ़ रहा है तो कौन है सिर्फ एक जगह चढ़ रहा पानी सिर्फ हिमाचल में पानी है दिल्ली में पानी है और पंजाब में पानी हर एक जगह है यह हालत है और इससे ही बुरी हालत है आगे ने तो इससे भी बुरी हालत कर रखी है कल आ जाओ इसका आगे की हालत भी दिखा देंगे तो देखना होगा सबने ठीक है पानी है देखना था हमने पानी कितना का रहा है पानिया देखियो था हमें ये देख लो पानी के ऊपर चढ़ा खड़ा है और जब फसला का मुआवजा मांगा ना किसान फसला का मुआवजा मांगेगा ये भी सरकार के पेट में दर्द हो है अब मुआवजा किस नाम का मांग है ये देख लो भाई किसे खटारा है जो भी है उसने दिखा दो एक बार खटारा साहब नजदीकता हो ना आपके नज़दीक करो है ये देख लिया बाग नाड़ा कितना पानी है पानी का बेरा पट्टा था एकदम तो पानी आओ पानी कितना रहा है यो सब तो बड़ी बात यह है सोचना यो है पानी आवे कितना है इतनी तो बारिश नहीं हुई थी ठीक है बारिश हुई थी पर इतनी बारिश नहीं हुई थी एक भाई इतना पानी एकदम तो दल जल हो जाएगा चारू ओढ़ के यो तो दल चढ़ है ना यो चढ़ानिया कून है और इसका बेरा लाना पड़ेगा और पानी खास कर किस एरिया में आ रहा है जिस एरिया में लोग किसान आंदोलन में खड़े हुए थे ना उस एरिया में खासकर पानी चाहे पंजाब का ले लो चाहे हिमाचल का ले लो चाहे दिल्ली का ले लो चाहे यूपी का ले लो चाहे राजस्थान का ले लो कहीं का भी ले लो चाहे हरियाणा का ले लो पानी सिर्फ उस जगह पर है जिस जगह पर तो लोग किसान आंदोलन में उठे थे यो पानी आया क्यों कर पानी आया है पानी लाया गया है यह बात सोचनी पड़ेगी लोगों ने सब तो बड़ी बात है यह सोचना यो पड़ेगा यो पानी आया क्यों कर है सिर्फ उस एरिया में क्यों कर पानी आया जिस एरिया में आंदोलन में लोग उठे थे जिस एरिया में पानी है कोई नया उस एरिया में पानी नहीं पहुंच पा रहा लोग तसाए मरे हैं नॉर्थ राजस्थान में लोग एक गिलास पानी खातर आंदोलन कर रहे हैं एक गिलास पानी खातर पूरा तो पानी पहुंच नहीं पा रहा और आड़े जल जल कर रखा है ये बात है सिर्फ हम आगे मारने खातर और कोई नया और किसी ने भी टोलो अक्सर अभी संयुक्त पंजाब पाओ थाना हर फिर कहो संयुक्त पंजाब डुबोना है फिर जब मांग कर दिया हाँ अक्सर संयुक्त पंजाब एक कर दो फिर पेट में दर्द हो जाए सब कहे पेट में दर्द क्यों हो भाई थारे नहीं बताओ पहले तो पेट में दर्द किस नाम का हो है बात कर दो संत जी की बात कर दो सही बात है यार गल बिच पिस्टल हाथ बिच फड़िया तीर हाले भी डरावे बैरी ने संता की तस्वीर हाल तक डरा रही है तुम्हारे को संतों की तस्वीर और हो क्या रहा है जो हक सच की बात करता है उसको दबाया जा रहा है उसको बस बिल्कुल डबोया जा रहा है और जो झूठ बोलो दबा के झूठ बोलो वो कामयाब है आज के टाइम पे सच बोलने वाले कहाँ जाएंगे कोई बता सकता है इस बात को किसी को पता हो ना तो बताना इसलिए हम कह रहे थे भाई अपने आप को संभाल दो आने वाली फसलों और नस्लों को बचा लो फसल पानी में बर्बाद नस्ल नशे में बर्बाद कहाँ जाए भाई किसान ले किसान क्या करता पूरे देश का पेट भी भरेगा पूरी दुनिया का पेट भरता किसान अच्छा बॉर्डर पर शहीद होने के लिए बेटे देता किसान फिर उसी किसान को देखने के लिए इनके पास टाइम नहीं है इनके पास कि उसको देख सके या कुछ कर सके क्यों भाई ऐसा क्यों है इस क्यों का जवाब जब तक नहीं लोगे ना तब तक ऐसे ही दबाव आएगा या तो इस क्यों का जवाब लेना सीख लो अगर इस क्यों का जवाब नहीं लिया ना तो आने वाली नस्ल बर्बाद तो हो चुकी है इस टाइम की जो नस्ल है उसको नशे में बर्बाद कर दिया आने वाली नस्ल वैसे पैदा नहीं होगी फसल तुम्हारी पानी में डुबो के मार देंगे क्या करोगे भीख मांगोगे फिर भिखारी तो हमने कुर्सियाँ बिठा रखे हैं भीख तो वह मांगे हैं थोड़ा सा भी देश के ऊपर आपदा आ जाए किसान दे दो 5 kg अनाज किसान दे दो ये चीज़ और उसके बाद जब किसान अपने हक सच की बात करे हम कह रहे हैं भाई संयुक्त पंजाब एक करो दिक्कत किसको है किसको दिक्कत है अगर ये दिक्कत आ रही है ना तो इस दिक्कत को दूर करो अपना ना जो संयुक्त पंजाब है आपस में देखो पंजाब के अंदर बाढ़ आई पंजाब के अंदर बाढ़ आ रखी है जब भी पंजाब के लोग मदद कर रहे हैं दूसरी किसी स्टेट में बाढ़ आ रही है तब भी पंजाब के लोग मदद कर रहे हैं हरियाणा के जागत अजमेर के लोग पंजाब में पहुंचे कुछ लोग जो जे एंड के से भी आए चार चार ट्रक भर के आए जे एंड के से किसी को नहीं पता तो बता देते हैं चार चार ट्रक भर के सामान के लेके आए हैं पंजाब के अंदर क्यों क्योंकि उनको पता है कि हमारे भाई खतरे में हैं सिर्फ वो भाई खतरे में नहीं खतरे में यहाँ पर भी है सब कुछ भाई कहीं ये सोच रहे हो चलो ठीक हम भी सोच रहे चलो घर पर बैठ के वीडियो बना देते हैं यार किसी को पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लेकिन हालत देख लो हमारी भी हालत सेम हो रखी है कोई ये सोच रहा है कि हमारी हालत अलग है सेम हालत हमारी भी हो रखी है क्या करें फिर भी हम ये बात कर रहे हैं अगर किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी ना तो हम मदद करेंगे
मदद लेंगे नहीं, मदद करेंगे, क्योंकि हमारे को शिकाया गया है और इनको शिकाया गया भीख मांगना। भीख मांगना माफी वीर की औलाद, ये भीख मांगने, ये चून मंगे कहीं के, ये तो हमारे सिर पर राज कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी फसल बचाएं, नस्ल बचाएं, क्या क्या बचाएं, देश को भी हमारे को बचाना, फसल भी हमने बचानी, देश का पेट भी भरना है। जो भूखा सो रहा है उसको कौन खिलाता आज के टाइम पे? कोई मंदिर आया भाई, कोई मंदिर आया? 15 मंदिर हैं पंजाब के अंदर, 30 मंदिर हैं हरियाणा के अंदर, जिनकी सालाना आमदनी करोड़ों में है, करोड़ों में है। किसी मंदिर ने कोई लंगर लगाया हो, किसी ने भी लगाया हो तो हरियाणा में बाढ़ है, पंजाब में बाढ़ है, नहीं लगाया ना फिर क्यों जाते हो मंदिरों में? मंदिरों में जाना बंद करो, दान देना गुरुद्वारे के अंदर जाओ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो गुरुद्वारे में दान दो। इतना ही कहना चाहते हैं सबको, कान खोल के सुन लेना, डूब चुका हरियाणा, डूब चुका पंजाब, डूब चुका सिर्फ वो एरिया डूब गया जो किसान आंदोलन में खड़ा हुआ था। ये एक सिस्टम के तहत डूबाया जा रहा है, कहीं ये सोच रहा है ऐसे डूब रहा है, ये सिस्टम के तहत डूबाया जा रहा है। बाकी आगे का भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे आगे क्या क्या हो रहा है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात ठाकुर सच की करेंगे, सच्चाई आपको दिखाएंगे। ग्राउंड पे दिखाना शुरू कर दिया ना तो ग्राउंड ही दिखाएंगे आपको, पूरा पूरा ग्राउंड दिखाएंगे आपको, ये नहीं कि आज दिखा के छोड़ दिया, पूरा ग्राउंड दिखाएंगे। कहोगे तब नेताओं का इंटरव्यू लेके दिखा दे, किसी नेता के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, ये आपको आज बता रहे हम। वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि सबके पास पहुंच जाइए, हो क्या रहा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।